राहुल गांधी के बयान पर इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। हिंदुओं को हिंसक बताकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुरी तरह से घिर गए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोलने वाले हैं। राहुल गांधी पर पलटवार कर सकते हैं। बाहर हिंदू संगठन और धर्म गुरु राहुल के बयान से भड़के हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में राहुल गांधी के दिए गए बयान के कई हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाया गया है। राहुल गांधी ने हिंदुओं पर जो बयान दिया था उसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। इसके साथ ही उनके हिंदू धर्म के ठेके वाले बयान को भी एक्सपंज किया गया है। अग्निवीर को प्रधानमंत्री से जोड़ने वाले बयान को भी रिकॉर्ड से हटाया गया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने सत्ता पक्ष के हिंदू न होने का दावा किया था। राहुल गांधी के बयान को भी इस बयान को भी स्पेशली रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इस बयान को भी रिकॉर्ड से हटाया गया। बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठन राहुल गांधी पर हमलावर हैं, उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। हिंदू धर्म गुरुओं के साथ साथ मुस्लिम धर्म के भी धर्म गुरु, दूसरे धर्म के गुरुओं ने भी लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर घोर आपत्ति जताई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के कल के दिए हुए भाषण पर पलटवार कर सकते हैं, करेंगे ही। प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। इस दौरान वो राहुल गांधी के एक एक हमले का, एक एक आरोप का जवाब दे सकते हैं। कल हमने देखा था किस तरीके से जब हिंदू धर्म को दिए गए राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए थे, उन्होंने इसकी गंभीरता की तरफ इशारा किया था और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी के कई सारे बयान जो रिकॉर्ड से हटाए गए हैं, इसके साथ ही राहुल ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, उसे भी एक्सपंज किया गया। कल राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा था, मोदी और सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्रियों ने कैसे राहुल गांधी का फैक्ट चेक किया, राहुल गांधी के बयानों पर बाहर क्यों हंगामा हो रहा है, धर्मगुरुओं ने राहुल के बयानों पर, उनके भाषण पर नाराजगी कैसे जताई, वो सब आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूँ संसद की कार्यवाही से राहुल गांधी के कौन कौन से बयान को एक्सपंज किया गया। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। अब वो ये जो लोग कह रहे थे तो इसको उन्होंने रेक्टिफाई करते हुए बाद में बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा किया। लेकिन स्पेशली ये बयान जिसमें वो पूरे हिंदू समाज को लेकर एक बयान दे रहे थे, इसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया है। और इस वक्त एनडीए की संसदीय दल की बैठक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घटक दल के नेता भी इस मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं और ये मीटिंग इस लिहाज से महत्वपूर्ण, पहले की दो सरकारें पूरी तरीके से बीजेपी की बहुमत वाली सरकार थी और संसदीय दल की मीटिंग में एनडीए के घटक दल नहीं दिखाई देते थे, लेकिन चूंकि ये एनडीए की सरकार है और इसलिए घटक दल के तमाम नेता सांसद भी आपको इस मीटिंग में दिखाई देंगे। और जाहिर है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और पूरी सरकार की नीति, उनका टारगेट, उनकी रणनीति एक दिशा में होनी चाहिए, इसे लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाइडेंस दी भी होगी। इस पर और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी देंगे, लेकिन हम एक बार फिर आपको बताते हैं राहुल गांधी का भाषण जिसके कई सारे ऐसे हिस्से हैं जिसे कार्यवाही से हटाया गया है। मसलन एक जो बयान हमने आपको दिखाया जिसमें उन्होंने हिंदू समाज को लेकर बयान दिया था, आप हिंदू हो ही नहीं सकते, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है। ये भाषण का वो हिस्सा जिसे संसद की कार्यवाही से, भाषण से एक्सपंज किया गया। अगला हिस्सा आपको बता दें, लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के ऐसे कई सारे हिस्से थे जिसके सत्यापन की भी बात कही गई और कई ऐसे हिस्से थे जिससे लेकर विवाद खड़ा हुआ, जिससे लोकसभा की कार्रवाई से एक्सपंज किया गया। आपके दिल में जाकर तीर लगा है इसलिए ये चिल्ला रहे हैं, इस तरीके की बात कही गई, आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाकर दिल में लगा है।
वो किस तरफ इशारा कर रहे थे, देखो ये चुप हो गए, देखिए ये सब चुप हो गए, इस तरीके की हल्की बातें जो सत्ता पक्ष की ओर से कही भी जा रही थी कि इस तरीके की हल्की बातों से नेता प्रतिपक्ष को बचना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अपने स्टाइल में ये तमाम बातें अपने भाषण के बीच बोलते चले गए, ये हिस्सा भी एक स्पंज कर दिया गया है। अब ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, ये वो हिस्सा है जिसमें एक पार्टी को, एक संगठन को, एक व्यक्ति को, और व्यक्ति कौन, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सीधा सीधा टारगेट करते हुए बीजेपी 24 घंटे नफरत हिंसा इस तरीके की बात करती है, इसे भी एक्सपंज किया गया। अडानी अंबानी का जिक्र जो है वो कल के भाषण में भी रहा, ईडी सीबीआई की बात हो रही थी, किसानों की बात हो रही थी, करते करते अडानी अंबानी की भी बात होने लगी, मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं है, नमस्ते भी नहीं करते हैं, कहीं मोदी जी ना देख लें इसलिए बाकी नेता भी नमस्ते नहीं करते, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, पर्सनल बातें, इस तरीके से पर्सनल अटैक करना। अब कौन व्यक्ति संसद में कार्रवाई के दौरान मुस्कुराता है या कौन नहीं मुस्कुराता है, क्या उसे इंक्लूड किया जा सकता है भाषण में? अग्निवीर स्कीम सेना की स्कीम नहीं है, ये पीएमओ की स्कीम है, पूरी सेना जानती है कि ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, ये स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था, जबकि इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी काउंटर किया, इसे भी एक्सपंज किया गया है। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र ऐसी कई सारी बातें, ऐसे कई सारे बयान ऐसे थे राहुल गांधी के जिसे लेकर लगातार आपत्ति खड़ी करती जाती रही, और यहां तक एक्सपंज करने की मांग की गई, कई हिस्से तो ऐसे थे जिसके सत्यापन की भी मांग की गई। और बिल्कुल मीनाक्षी, राहुल गांधी के स्पीच में आप देखें तो दो हिस्से थे, ऑब्जेक्शन वाले हिस्से जो थे वो दो ऑब्जेक्शन हिस्से, एक तो ये कि जो नैरेटिव वाली बात होती है जिसमें से राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे नफरत हिंसा 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 असत्य असत्य असत्य, तो ये नैरेटिव कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ गया था कि ये खराब चला जाएगा, जिसका नतीजा था कि आपने देखा कि राहुल गांधी के स्पीच के ठीक बाद प्रियंका गांधी ने तुरंत ट्वीट करके सफाई दी कि वो बीजेपी के बारे में कहा गया है, सभी हिंदुओं के बारे में नहीं कहा गया है। दूसरा हिस्सा जो था कि जिन तथ्यों को आप कह रहे हैं क्या उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, क्योंकि सदन का ये रूल होता है कि अगर आप किसी तथ्य को कह रहे हैं हाउस फ्लोर पर तो वहाँ पर फिर आपको उसको ऑथेंटिकेट करना होगा। जैसे इसमें राहुल गांधी फंसते हुए नजर आए कि पहली बात तो कि अग्निवीर को लेकर कोई मुआवजा नहीं, उस मामले में आपने देखा कि रक्षा मंत्री ने 1 करोड़ की बात कही। दूसरी चीज़ कि अयोध्या में कोई मुआवजा नहीं दिया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बात को भी सिरे से खारिज किया। तीसरी चीज़ वो एक फंसते हुए नजर आ रहे थे MSP को लेकर, हालांकि बाद में उसको उन्होंने करेक्ट कर लिया, वो कह रहे थे कि MSP नहीं मिलता है। तो ऑथेंटिकेट करने वाली जो बात है उसमें होगा ये मीनाक्षी कि राहुल गांधी इन चीज़ों को कर नहीं सकते क्योंकि तथ्य उनके खिलाफ हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि स्पीकर के द्वारा एक तो उन सारे हिस्सों को हटा ही दिया जाएगा, दूसरा स्पीकर के द्वारा एम्बैरेसमेंट वाली फटकार एक मिल सकती है कि ऐसी बात सदन में ना कहें जिसे आप ऑथेंटिकेट ना कर सकें, यानी कि सत्यापित ना कर सकें, जो फैक्ट ना हो। मीनाक्षी देवेंद्र आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अगर इसी भाषण के दौरान जो तकरीबन 100 मिनट का भाषण रहा, आपने भी गौर किया होगा कि राहुल गांधी के दिए गए बयान पर जैसे ही उसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के द्वारा कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने अपने बयान को बदला भी। मसलन अगर किसानों के मुद्दे की बात की जाए, वो MSP की बात कर रहे थे कि MSP पर खरीद नहीं होती है, तुरंत कृषि मंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने बयान को रेक्टिफाई किया कि MSP पर खरीद की लीगल गारंटी पर मैं कहना चाह रहा था। और बिल्कुल मेरा अच्छी, जबकि उसके पहले उन्होंने कई बार यह कह दिया था कि MSP नहीं मिलता। तो एक तरह से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि राहुल गांधी जब स्पीच देते हैं तो थोड़ा कैरिड अवे भी हो जाते हैं। कल जैसे हाउस में अगर आप देखें कि जिस प्रकार की वो तस्वीर दिखा रहे थे और स्पीकर चेयर पे बैठ के बाकायदा नियमावली दिखा के बता रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसके बावजूद राहुल गांधी का बार बार उस काम को करना, संभव है कि सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों का ये ऐसा मानना था कि राहुल गांधी जानबूझ के प्रोवोक कर रहे थे कि उनके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाए जिसके बाद वो अपने आप को दिखाएं कि देखो मैं बोलना चाहता था, मुझे बोलने नहीं दिया गया। अन्यथा अगर रूलिंग के आधार पर स्पीकर को सीधे सीधे ये बताना पड़ा हो कि आप इस तरह की तस्वीर नहीं दिखा सकते, आप अपनी बात कहिए और सरकार के कार्यक्रम और नीतियों की जितनी आलोचना करना चाहे वो कीजिए, बावजूद इसके राहुल गांधी बार बार दिखा रहे थे, बता भी रहे थे कि देखिए कैमरा भी हटा दिया गया जब भी मैं दिखा रहा हूँ, और स्पीकर के मना करने के बावजूद कम से कम 4 से 5 बार उन्होंने इस चीज़ को दिखाया। तो कुल मिलाकर कल राहुल गांधी का LOP के तौर पर पहला स्पीच था, और शायद
वो एकदम से एग्रेसिव मूड में थे कि जो कुछ भी मुझे करना है वो मैं करूंगा, और वही उन्होंने किया भी।